18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। बुंदेलखंड का इलाका बहुत गर्म ही इलाका माना जाता है। हमीरपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो आज मतदान में सुबह के वक्त एक बड़ी तादाद थी। जब लोग वोट करने आए थे सुबह का वक्त, धूप ज्यादा तेज नहीं थी। मतदाता अपने अपने घरों से लेकर खुद पोलिंग बूथ तक आए थे, अपने अपने मतदान का प्रयोग किया था। लेकिन दोपहर में मतदान प्रतिशत की रफ्तार थोड़ी सी कमी दिखाई दी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी। लेकिन शाम को जैसे ही धूप कम हुई, एक बार फिर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का मतदाता अपने अपने घरों से बाहर निकला और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक आया। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमीरपुर लोकसभा का मतदान प्रतिशत 57 के आसपास रहा था, जो इस बार बढ़कर 62 पहुंच गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बहुत ही अच्छी बात यह है कि मतदाता जागरूक हुआ है और उनसे बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जताते हुए बड़ी संख्या में वोट डाला गया है और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक अच्छा मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपने ही अलग मुद्दे हैं। हमेशा से यह क्षेत्र अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ के लोगों के पास नहीं है। यही कारण है कि आज हुए मतदान में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था। उस गांव के मतदाताओं की मांग थी सड़क की, वोट नहीं तो कहीं किसी के गांव में अपनी समस्याएं थी तो कहीं शौचालय और आवास नहीं थे। इन सब मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। लेकिन जैसे तैसे जिला निर्वाचन इकाई के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के लाग जतन के बाद 2 बजे तक के बाद दोपहर में इन सभी 3 गांवों के मतदाता वोटिंग के लिए तैयार हुए। लेकिन साफ तक महज 5-6 वोट ही पोलिंग बूथ में दर्ज किए जा सके। तो जागरूकता आई भी है और पहले से सुधार भी आया है। क्या मुद्दे रहे आपके यहाँ मतदान करने के लिए, किस आधार पर आपने मतदान किया? मेन तो अब जैसे इस समय जागरूकता पहले भी देते थे, अब तो इतनी जागरूकता आ गई कि हर काम से पहले मतदान है। जैसे हम खाना खाते हैं मस्ट होता है, पूजा करते हैं, उसी तरह मतदान अब मस्ट हो गया है क्योंकि हम देश के नागरिक हैं तो हमारा फर्ज बनता है। क्या नाम है? हमारा कविता गुप्ता। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और भ्रष्टाचार का है, तो ये सब दूर होना चाहिए और जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी और इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद करूँगा। तो मेरा नाम लाल यादव है और मेरी समस्या है रोड की। सबसे बड़ी समस्या जो 25-30 सालों से काला रोड पड़ा है, कोई भी यानी डिलीवरी है वो आधे ही दूर में डिलीवरी हो जाती है और कोई नेता नहीं सुनता। विधायक जी माननीय मनीषा जी यहाँ कई बार हो चुकी, उन्होंने भी नहीं सुना, और माननीय सांसद जी पुष्पेंद्र चंदेल जी वो उनके कार्यकाल पूरे हो चुके, उन्होंने भी इस गांव की ओर एक बार भी नहीं आए। अभी जो चुनाव का दौर चल रहा था तो कई दल के नेता आए होंगे, तो क्या यहाँ कोई नहीं आया अभी तक और हमारा गांव कोई वोट भी नहीं डाल रहा है। चुनाव पूर्ण रूप से हम लोगों का, सभी गांव ग्रामवासियों का बहिष्कार है। अगर आपको लगता है कि बहिष्कार करने से क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी? अब मांग तो पूरी होगी हमारी, नहीं नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या समस्या है आप लोगों? समस्या साहब यह है कि ना तो रोड है, ना तो पानी है, ना तो यहाँ कोई रास्ता है, ना कोई नाला है, ना नाली है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। रोड कोई क्या दे, वोट कोई क्या दे, बताओ। आप लोगों ने 2 साल पहले भी विधानसभा का बहिष्कार किया था। हाँ, तो क्या आश्वासन मिला था? कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नेता आए थे, आश्वासन दिया था, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जैसे पहले था वैसी याद दी है। प्रॉब्लम क्यों चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं? उनको तो बोलने दो। ये जो संजय चौधरी ब्लॉक को, हम यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ गांव वालों ने 2 महीने पहले जो बैनर लगा करके है, जो हरदोलाला के चबूतरे पर चुनाव बहिष्कार का है, जो बगल बजाया था, काले झंडे भी लगाए थे, अभी भी लगे हुए खंभों में। तो एडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा था ठीक है आपकी पानी की समस्या है, जो हम समाधान करेंगे, टैंकर लगवाएंगे। तो उन्होंने जो यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए कोई समाधान नहीं किया है, एक आध दफे टैंकर एंकर घुमा दिया, फिरा दिया। चुनाव बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? पानी की समस्या की वजह से, पानी पीने की दिक्कत है यहाँ पर, इसलिए चुनाव। पूरा गाँव है आप लोग? पूरा गाँव है, सब लोग, पूरे गाँव के लोग, वोट डाल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, न्यू टेक्नोलॉजीज है और हम लोगों ने वोट डाला है तो देखने को भी मिल रहा है कुछ, और जाते भी है अच्छा, सरकार आए नया कुछ अच्छा हो। आपने मतदान किया हुआ है, क्या क्या मुद्दे आपने सोचे थे कि इन मुद्दों के आधार पर हम मतदान करेंगे? शिक्षा के तौर पर ज़्यादा वो है, शिक्षा और डेवलपमेंट जितना भी हो रहा है अभी तक हुआ है वो भी सही है और होना चाहिए।
सरकार से यही उम्मीद है। प्रतीक्षा सिंह तो एक पर्व के रूप में मना रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आज पूरा देश जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ उत्सव के रूप में लोग घरों से निकल के आ रहे हैं। यहाँ प्रजातंत्र का महाउत्सव है और महाउत्सव में जनता को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने भाग्य का फैसला बदलना लेना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल के लिए चुनाव होता है। घरों से निकल करके आना चाहिए और अपने देश के भाग्य के लिए अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि शत प्रतिशत वोटिंग हो, एक भी वोट व्यर्थ ना जाए, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र का महायज्ञ कभी कभी आता है और यह देश का चुनाव है। देश के चुनाव के लिए जनता को आगे आकर के अपना मतदान करना चाहिए, मेरी यही अपील है। और मुझे लग रहा है कि जनता निकल रही है घरों से उत्साहपूर्वक आनंदपूर्वक, जैसे हम बहुत ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया है। क्या मांग है, क्या मामला है? यहाँ रोड की समस्या है, इसके कारण से यहाँ के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। और जैसा कि हमें जानकारी में मिली है कि रोड स्वीकृत भी हो गया है और मिट्टी डालने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है और बहुत जल्दी रोड कम्प्लीट हो जाएगा, ऐसा मतदाताओं को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तहसीलदार साहब भी आ गए हैं और मतदाताओं से बातचीत की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी लोग मान जाएंगे और मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह से आधा दिन बीत चुका है, क्या एक भी वोट नहीं पड़ा गांव में अभी तक? अभी तक नहीं पड़ा है, लेकिन अब उन्हें समझाया जा रहा है रोड की जो स्वीकृति हो गई। आपका सोनू किस गांव के? टोला खंगारा। आप लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठा है, क्या बात है, किस वजह से? हम लोग रोड की वजह से बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। जब तक मतलब रोड नहीं डलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। अभी किसी ने वोट डाला या नहीं डाला गांव? अभी नहीं डाला किसी ने भी, बताया जा रहा है गांव में और भी वोट पड़ चुके। नहीं नहीं, वोट नहीं डाला है, कोई भी वोट डालने नहीं जा रहा है। सब लोग हमारा रोड का कार्य नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। यहाँ पे डीएम साहब आए, हम हमारी मांग पूरी करें। पानी की समस्या को लेकर के लोगों का ये था कि मतदान नहीं करेंगे, लेकिन धीमी गति से मतदान चल रहा था। जब मैं यहाँ आया तो धीमी गति से मतदान चल रहा था। 141 नंबर बूथ पर 49 वोट थे, 142 नंबर बूथ पर 22 वोट थे। तो यहाँ पर जो है टैंकर की व्यवस्था की गई है पानी की, क्योंकि पानी जलस्तर इतना नीचे है कि जो भी हैंडपम्प लगते हैं वो पानी दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए जल संस्थान के द्वारा पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है और जल निगम के द्वारा टंकी का भी यहाँ प्रस्ताव किया गया है, जो चुनाव के बाद इस पर काम शुरू करा दिया गया है। और अब तेजी से मेरे आने के बाद ग्रामीणों से बात की गई तो अब तेजी से मतदान शुरू। प्राइम 18 न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट।